और कुरुक्षेत्र के सेक्टर 10 स्थित वर्ल्ड वाइड इमिग्रेशन सेंटर पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग करके दहशत पैदा कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार दोपहर 3:15 बजे एक युवक वर्ल्ड वाइड इमिग्रेशन सेंटर के नीचे आता है, वहां खड़ा होकर सिगरेट पीता है और फिर धनाधन 8 फायर वर्ल्ड वाइड इमिग्रेशन सेंटर गेट पर कर देता है। इसी बीच वर्ल्ड वाइड इमिग्रेशन सेंटर के अंदर काम करने वाले कर्मचारी को मामूली चोट लगी है। हालांकि कर्मचारी पूरी तरह से ठीक है, लेकिन माहौल काफी दहशत भरा है। घटना के बाद भारी बल घटनास्थल पर पहुंच गई और एफएल की टीम घटनास्थल पर बारीकी के साथ पहुंची है। उधर से आया, चेहरे पे नकाब नहीं था और उधर से ही चला गया फायर करके। कितने फायर होना था? अंदाजे से 8-9 फायर हुए। ये खाली खोला आपके पास पड़े हुए? ये नहीं पता, पीछे से आया, पता नहीं बाइक पे गया जी। नकाम नहीं था चेहरे पे, चेहरा साफ खुले हम चेहरे। तो आपके इससे ज्यादा जानकारी नहीं है। चोट कहाँ लगी? चोट ये आपके हाथ में लगी है। ये देखिए, ये छर्रे लगे हैं, बुलेट की छर्रे। ये देखो छर्रे हैं, उसके लिए आपको देख लीजिएगा तस्वीर में। ये व्यक्ति है, मनदीप कुमार। मनदीप कुमार इसे काम करते हैं, इससे परेशान है। चेहरा सीसीटीवी में आया हुआ सर, साफ आया हुआ चेहरा। नहीं नहीं देखा सर। साहब सिंह है, मेरे ब्रदर हैं और अमरजीत मल्होत्रा हैं, गांव बोडी से हैं। मैं गांव बोडी से सरपंच हूं जी। और कितने साल से सेंटर चल रहा है? 5-6 साल हो गया जी अपना ये काम कर रहे हैं। इमिग्रेशन सेंटर कई संचालक हैं, बहुत से दुकानें हैं यहाँ पर। क्या मांग करते हैं आप लोग? ये इलेक्शन से पहले भी आपने देखा था जी, ये काम बहुत बना हुआ था, ये दोबारा से फिर शुरुआत हो गई है। ये तो मैं तो सीएम साहब को एक बात कहना चाहूंगा जी,